हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों का पैन कार्ड के ऊपर जो उम्र संबंधी आप लोगों का जो डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट क्लियर कर देने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी सारा कॉमेंट होता है कि मेरा उम्र 5 साल है, मेरा उम्र 10 साल है, मेरा उम्र 18 साल से कम है, मेरा उम्र 18 साल से ज़्यादा, मेरा उम्र 60 साल है, क्या मैं पैन कार्ड बना पाऊंगा। इस सब जो डाउट होता है आपके मन में, तो मैं दोस्तों इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। और यहाँ दोस्तों सबसे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, अगर दोस्तों आपका उम्र 5 साल से कम है, 5 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, आपका उम्र 60 साल भी हो गया, 60 साल से कम है या 60 साल से ज्यादा, तब भी दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। सिंपल से समझिए दोस्तों, अगर आप इंडिया के हैं, इंडिया में आप रहते हैं और यहाँ पे भारत सरकार को आप टैक्स देते हैं, टैक्स पे हैं दोस्तों, तो आप कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों आपका उम्र 5 साल से कम हो या 5 साल से ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पे आप पैन कार्ड बना पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आर्टिकल लिखा हुआ है, देख सकते हैं पैन कार्ड पर, देख सकते हैं उम्र संबंधी, देख सकते हैं एज पर सेक्शन 160 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है 160, उसके अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन माइनर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड। माइनर मतलब 5 साल से जो कम के बच्चे होते, वो भी यहाँ एलिजिबल है पैन कार्ड बनाने के लिए, एज देयर इज नो एज लिमिट रिक्वायर्ड स्पेशली इन द एक्ट। मतलब 160 एक्ट बोलता है पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का उम्र नहीं रखा गया, चाहे आपका उम्र 5 साल हो, 5 साल से ज्यादा हो, 18 साल से कम हो, 18 साल से ज्यादा हो, आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको डाउट जो था क्लियर हो चुका है। और मैं आगे पढ़ देता हूँ, पैन कार्ड कैन बी अप्लाई फॉर चिल्ड्रेन बिलो, देख सकते हैं 5 ईयर्स एंड रिमेंस, मतलब 5 साल आपका है, 5 साल से कम है या 5 साल भी हो गया, 5 साल से ज्यादा भी, तब भी आप यहाँ पे पैन कार्ड बना सकते हैं। पैन कार्ड मतलब परमानेंट आइडेंटिटी प्रूफ होता है, ठीक है, जिसका मतलब उसमें परमानेंट आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका एक परमानेंट आइडेंटिटी प्रूफ बन जाता है पैन कार्ड, ठीक है। उसका देख सकते हैं रिस्पेक्टली ऑफ चेंज इन द नेम और एड्रेस, आपका नेम और एड्रेस यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं इस प्रूफ से, ठीक है। पैन कार्ड आपका यहाँ पे टैक्स पेएबल देता है दोस्तों, आप कितना टैक्स पे करते हैं वो भी यहाँ पे डिटेल निकलता है, आपका एक परमानेंट एड्रेस हो जाता है। इस परमानेंट एड्रेस दोस्तों आपका यहाँ पे नेम और एड्रेस आप किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ में चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रूफ से दोस्तों आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ जो आप लोग का डाउट था, क्या मेरा 5 साल उम्र है, क्या मैं बना सकता हूँ, 5 साल से ज़्यादा है, क्या मैं पैन कार्ड बना सकता हूँ, तो जरूर बना सकते हैं दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में जो डाउट था मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आपका एक लाइक मिल जाता है तो। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का डॉट या कंफ्यूजन रह गया हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोस्तों उसका सोल्यूशन बताने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक।